क्षतिग्रस्त हमीद सेतु की मरम्मत का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। ये काम गुजरात से आई इंजीनियरिंग टीम की देखरेख में हो रहा है। फिलहाल पुल पर गाड़ियों का सन्नाटा है, लेकिन ये मरम्मत के लिए ड्रिलिंग की आवाजों से गुलजार जरूर है। आज हम आपको इस ऐतिहासिक पुल के मरम्मत की झलकियां दिखा रहे हैं। टीम ने वहां मरम्मत में जुटे लोगों से बात कर ये भी जानना चाहा कि आखिर ये काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। आइए सबसे पहले यहां मरम्मत में जुटे लोगों से हुई बातचीत के अंश आपको दिखाते हैं। पराग पटेल, शिवम कॉर्पोरेट से आए बड़ोड़ा से गुजरात से बेरिंग चेंज करने के लिए, रोलर बेरिंग। सर जी, सेतु की हमीद सेतु का मरम्मत का चल रहा है, कब से शुरू किए हैं, कब तक पूरा होगा, कितनी बैरिंग बदलनी है इसमें, किस तरह की बैरिंग बदले? बैरिंग चालू किया, रोलर बैरिंग बदलेंगे 2200 और नया वाला न्यू प्रिंट बैरिंग डालेंगे। कब तक काम पूरा हो जाने की उम्मीद है? 2 महीने में उम्मीद है पूरा कर देंगे। आपको क्या लगता है, बार बार क्योंकि आप इसके पहले भी आ चुके हैं, क्या लगता है पुल का क्षतिग्रस्त होना क्या वजह, क्या कारण? ओवर लोडिंग गाड़ियों की वजह से होता है, रोलर बैरिंग में तो फिसक जाता है, अभी न्यू ब्रेक बैरिंग डाल देंगे। क्या इसमें ओवरलोड की भी समस्या है, उसके चलते भी पुल का बार बार क्षतिग्रस्त होना है क्या? नहीं, अभी तो न्यू ब्रेक डाल देंगे ना, रोलर बैरिंग डाल के, रोलर बैरिंग निकाल के न्यू ब्रेक डाल देंगे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आपने सुना कि इस काम में 2 महीनों तक का समय लग सकता है। आपको बता दें कि 7 जून की रात को राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी थी कि हमीद सेतु के पिलर 6 व 7 के मध्य ज्वाइंटर नंबर 14 की बेरिंग खिसकने से दरार पड़ गई है। इसके बाद पुल से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पुल पर भारी वाहनों पर रोक के कारण ताड़ीघाट मऊ रेलखंड के विस्तारीकरण के तहत गंगा नदी पर बन रहे रेल कम रोड ब्रिज, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी देरी होने का खतरा मंडराने लगा है। पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की वजह से रुक रुक कर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। हमीद सेतु के बड़े गाड़ियों के लिए बंद होने पर पुल के दोनों तरफ स्थित होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट सहित कॉमर्शियल दुकानें आदि के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों को अपने रोजगार के चौपट होने का भी डर है। करीब 3 माह के लॉकडाउन के बाद अनलॉक में दुकानें और बाजार खुलने को आए तो ये एक नई आफत आ गई। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।